नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज़ खबर विजन और से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रविदास जयंती। पुलिस प्रशासन रहा सतर्क। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नेहटोर विधानसभा से विधायक ओम कुमार ने संत शिरोमणि रविदास जी की 644वीं जयंती को शांतिपूर्वक व कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाने की अपील की। आज रविदास जयंती है सर, तो इस मौके पर आप जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वें जन्मदिन के मौके पर मैं अपने जिले, प्रदेश और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको मानते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी त्यौहार को मनाएं बहुत हर्षोल्लास के साथ, लेकिन हम साथ साथ में कोरोना का भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत गुरु रविदास जयंती की बधाई देता हूँ। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने संदेश दिया था कि भगवान की नज़र में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, उनके लिए सब एक समान है। और उन्होंने भक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि हमको इंसान बन करके रहना है, भगवान में आस्था रखनी है। आज हमारे एक संत पूरे प्रदेश को और पूरे देश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। दूसरे आज हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम मिलकर के रहें, प्यार के साथ रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।